नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि शुक्रवार सतभिषा नक्षत्र आज भी पूरे दिन और शाम 7:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे जिनके राशि स्वामी शनिदेव हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रमा धीरे धीरे अमावस्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिन जातकों के लिए चंद्रमा सहयोगी भूमिका में होंगे उन्हें ऐसी अवस्था में थोड़ी परेशानी संभावित है, क्योंकि चंद्रमा नैसर्गिक शुभ ग्रह और मन के कारक हैं, इसलिए मानसिक अवस्था सभी की प्रभावित होती है। मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में आज पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। कार्य योजनाओं में विस्तार होगा। पूरे दिन महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक लें, क्योंकि आज भी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। मगर शाम के बाद आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी होगी, जिससे रुके हुए और अधूरे कार्य आप आसानी से पूरा कर लेंगे। पारिवारिक तनाव में कमी आएगी और पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। विद्यार्थी वर्ग आलस्य महसूस करेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के नए अनुबंध मिल सकते हैं। नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे। सामाजिक संबंधों का सहयोग मिलता जाएगा और कार्य क्षेत्र की बुनियाद मजबूत होगी। नैऋत्य कोण से लाभ के अवसर अधिक मिलेंगे। राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात और विभागीय सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। नए संबंधों का लाभ आपको मिलता जाएगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नए कार्य क्षेत्र से संबंधित शुरुआत हो सकती है। व्यावसायिक प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। कार्य प्रणाली में सुधार और नई कार्यशैली विकसित होगी। व्यावसायिक क्षेत्र के विकास में मन लगेगा। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी, मगर कार्य योजनाओं में सृजनात्मक मानसिकता बनी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सुधार होगा और धार्मिक भावना बलवती होगी, मगर स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सुकून भरा और कुछ रुके हुए कामों को पूरा कराने वाला बना रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता में शाम के बाद मन माफिक सुधार महसूस होगा। व्यावसायिक योजनाओं को गति मिलेगी। निजी संबंधों में सुधार होगा। अतिरिक्त मानसिक दबाव को हावी ना होने दें। शैक्षणिक माहौल अनुकूल रहेगा। छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। खान पान और अपने स्वास्थ्य पर सावधानी बरतें। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन मानसिक दबाव और अनावश्यक उलझन में बीतेगा। एक तो चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ रहे हैं और शनि की दृष्टि और केतु का सान्निध्य मनोवृत्ति में उतार चढ़ाव बना कर रखेगा, मगर उच्च ऊर्जा स्तर और सार्थक प्रयास आपको सफल बनाएंगे। आर्थिक लाभ के लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी अनियमितता पर ध्यान देना होगा। कन्या राशि के जातकों के आत्मविश्वास और विचारों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। केतु आपके 5वें घर में और चंद्रमा 6वें घर में चल रहे हैं। विचारों में तेजी से परिवर्तन का दौर लगा रहेगा। शाम के बाद ठोस निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। हालांकि आर्थिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि लाभदायक स्थिति में बनी हुई है। रचनात्मक पहल करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। तुला राशि वाले जातकों की संवेदनशीलता और भावनाओं का अंतर्द्वंद मन में चलता रहेगा।
जिससे लाभदायक कार्यशैली में गिरावट महसूस होगी और आपकी योजनाएं प्रभावित होंगी। किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य को अंजाम दें। सामाजिक सहयोग बना हुआ है, आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और कुटुंबजनों के बीच तनावपूर्ण माहौल संभावित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के मनोवृत्ति में तेजी से सुधार महसूस होगा और सक्रिय रूप से कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। व्यावसायिक योजनाओं में नए संबंध स्थापित होंगे और आर्थिक लाभ में गति आएगी, फिर भी लाभ से अधिक खर्च की स्थिति बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में भी खर्च संभावित है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, साझेदारी के अनुबंध लाभदायक रहेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को रचनात्मक प्रयासों में लगाते जाएं। लाभकारी योजनाओं के प्रस्ताव अभी मिलते रहेंगे, संसाधनों की कमी महसूस होगी मगर काम नहीं रुकेंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और नए रिश्तों में कामयाबी मिलेगी। सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा, किसी समस्या की पुनरावृत्ति संभावित है। मकर राशि वालों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में केतु का सहयोग चला आ रहा है। प्रतिभा, प्रेरणा और परिश्रम से अपनी मंजिल हासिल करते जाएंगे, रचनात्मक प्रयास जारी रहेगा और अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ में सुधार होगा, थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है मगर शीघ्र ही आप उस पर काबू पा लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, नए निवेश के अवसर सामने आएंगे और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अदम्य साहस और सहनशीलता सफलता दिलाएगी। आपकी दूरगामी सोच आर्थिक लाभ के लिए उपयुक्त होगी, योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे। कर्क राशि के व्यक्ति से सावधानी रखनी होगी, अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है, न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। मीन राशि वाले जातकों को चाहिए कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसले सोच समझकर सावधानी से करें, निजी फैसले लेने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र की धीमी गति होने से हतोत्साहित ना हों, शीघ्र ही नए रास्ते बनते जाएंगे। अपने धैर्य की परीक्षा की घड़ी में संयम रखना आवश्यक होगा, संतान संबंधी चिंता और खर्च की स्थिति बनी रहेगी, पारिवारिक माहौल को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।